इंडिया गेट प्रेजेंट्स त्योहार की तैयारी में आप सबका स्वागत है। कल्याण चतुर्थी आ रही है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। कंफ्यूज हो गए? गणेश चतुर्थी को तमिलनाडु में पिल्लैयार चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहते हैं और वो काफी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज हम पिल्लैयार चतुर्थी पर तमिलनाडु की एक खास डिश बनाएंगे, तायर सादम। तायर सादम के लिए हम लेंगे इंडिया गेट बासमती राइस। इस डिश के लिए ये बासमती परफेक्ट है क्योंकि 2 साल तक एज किए गए ये बेमिसाल चावल पकने के बाद किसी भी डिश के स्वाद को दुगना कर देते हैं। अब हम इसे पानी में थोड़ी देर के लिए सोक कर देंगे। तायर सादम के लिए हम सबसे पहले चावल को पकाएंगे। हमने जितना चावल लिया है उससे दुगना पानी डालेंगे। तायर सादम में तायर मतलब दही और सादम मतलब चावल। आंध्र प्रदेश में इसे कहते हैं दद्दोजनम और केरल में इसे कहते हैं तायर चौर। डिश एक, नाम अनेक। चावल हमारे पक गए हैं, अब हम इसे छान लेंगे। तायर सादम बनाने के लिए चावल को पहले हम ठंडा कर लेंगे। अब इस बोल में मैं डालूंगी चावल। कैसे खिले खिले लंबे लंबे चावल हैं। अब इसमें डालेंगे दही। अच्छे से चावल को मिक्स कर लेते हैं दही के साथ। ये ऐसे ही कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। ट्रेडिशनली तो इसे अच्छे से हाथों से मैश कर लेते हैं, लेकिन ये खिले खिले इंडिया गेट के बासमती राइस मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये कसे हुए गाजर ये डालेंगे और ये कुटे हुए अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च जैसा आपको पसंद है, ज़्यादा तीखा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और थोड़े से धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सुंदर कलर आया। इसे अब हम ढाँक के रख देते हैं। अब हम लगाएंगे तायर सादम में तड़का। ज़्यादातर तमिलनाडु में खाना जिंजली ऑयल में ही बनता है। ये तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें लगाते हैं तड़का। पहले हम डालेंगे राई, ये राई फूट गई है। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और अदरक, उड़द दाल, मूंगफली और हमारे ये कटे हुए काजू। ये तड़का हमारा रेडी है। अब मैं इसको हमारे इस राइस में डालती हूँ। इस सारे फ्लेवर्स को मैं राइस में अच्छे से मिला लेती हूँ और थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे। देखिए कितनी सिंपल ये दही की डिश है और कितनी फ्लेवरफुल, डाइजेशन में भी अच्छी और ये तमिलनाडु में लगभग रोज बनती है। नॉर्मल मील्स में ये ऐसे ही खाया जाता है, पर क्योंकि ये स्पेशल प्रसाद के लिए है तो इसकी गार्निश भी स्पेशल होगी। अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड काजू, फ्राइड मूंगफली और ये ठंडे ठंडे अनार। गणेश चतुर्थी की स्पेशल डिश तैयार है, खाइए और खिलाइए। ये प्लेट है कंफर्ट, प्यार और गुड हेल्थ से भरी। सच है, ये है इंडिया की पुरानी आदत।